स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 7। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड पैटर्न। द वर्ड्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथेमा मीनिंग साइंस, नॉलेज और लर्निंग, एंड इट्स टाइम्स शॉर्टेड टू मैथ्स। मैथमेटिक्स सिंपल इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्लास 7 किसी बुक में सिंपल इक्वेशन चैप्टर नेम है और किसी किसी बुक में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नेम है। क्लास 7 मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन एंड फार्मूले। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको इसके कुछ डिफिनीशन एंड फार्मूले लर्न हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। अलजेब्रा। अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद सिंबल्स एंड द रूल ऑफ मैनिपुलेटिंग दो सिंबल्स। इन एलिमेंट्री अलजेब्रा दो सिंबल्स टूडे रिटन एज लैटिन एंड ग्रीक लेटर्स रिप्रेजेंट क्वांटिटीज विदाउट फिक्स वैल्यू नोन एज वेरिएबल। द लेटर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटेड द एरिया ऑफ द फील्ड्स। इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? An equation is a mathematical sentence that has two equal sides separated by an equal sign. For example, 4 plus 6 is equal to 10 is an example of equation. For example, 12 is the coefficient of the equation 12n is equal to 24. A variable is a letter that represents an unknown number. What is an algebraic expression? Algebraic equation. Algebraic equation. स्टेटमेंट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन फॉर्मुलेटेड बाय अप्लाइंग टू ए सेट वेरिएबल। द अलजेब्रिक ऑपरेशन मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेजिंग टू ए पावर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ए रूट। फॉर एग्जांपल, एक्स क्यू प्लस 1 इज ए सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन। What is an equation? An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quality is called equation. An equation may have a linear expression on both sides of the equation. Some equation may not be linear in the beginning but they can be brought to linear by using usual method. Agar equation linear equation नहीं है तो उनको हम लोग रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। स्टेप वाइज प्रोसीजर टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी आप साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। कुछ स्टेप दिए गए हैं। रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप सिंपली दो या तीन बार पढ़िए। व्हाट इज गिवन आउट, पहचानिए उसमें क्या दिया हुआ है। यूज लेटर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी। इक्वेशन में कुछ न कुछ अननोन क्वांटिटी दी रहेगी, उसको आप अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड या एनी अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्म द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इंटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करिए। जहाँ पर इक्वेशन में इज है वहाँ इक्वल लगा सकते हैं। फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व द इक्वेशन बाय द यूजुअल मेथड। चेक द सॉल्यूशन फॉर इट्स वैलिडिटी। रिजेक्ट इफ द सॉल्यूशन इज इनवैलिड। अगर सॉल्यूशन में कोई इनवैलिड चीज आ रही है, जैसे अंडर रूट में कोई, जैसे अंडर रूट माइनस 4 इज इनवैलिड। अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इसमें इक्वेशन दिया गया है और एक वैल्यू दी गई है। वैल्यू पुट करने पर अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड
एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो हम लोग लास्ट कॉलम में यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आई गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, गिवन वैल्यू x इक्वल टू थ्री, वी नो दैट थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट आंसर इज नो। अगेन सेकेंड, x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड वैल्यू इज जीरो, जीरो प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज आल्सो नो। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सोल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन आर नॉट। गिवन वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो दी गई वैल्यू उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नो। फॉर एग्जाम्पल सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट x प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन एंड ब्रैकेट में दिया गया है n इक्वल टू वन, पुटिंग n इक्वल टू वन इन LHS, वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो n इक्वल टू वन इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेवन एन प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन एंड गिवन दैट ब्रैकेट n इक्वल टू माइनस टू, पुटिंग n इक्वल टू माइनस टू इन LHS, सेवन इंटू माइनस टू प्लस फाइव इक्वल टू माइनस फोर्टीन प्लस फाइव इक्वल टू माइनस नाइन, हियर अगेन LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो n इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थर्ड पार्ट, सेवन एन प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन एंड n इक्वल टू टू, पुटिंग n इक्वल टू टू इन LHS, सेवन इंटू टू प्लस फाइव, सेवन टू जब फोर्टीन होता है, फोर्टीन प्लस फाइव इक्वल टू नाइनटीन, हेयर LHS इक्वल टू RHS। थर्ड पार्ट में सी एन इक्वल टू टू रखने पर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, सो एन इक्वल टू टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस तरह से इस वीडियो से आप समझ करके अपना नोट तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स पा सकते हैं। फोर पी माइनस थ्री इक्वल टू थर्टीन, पुट पी इक्वल टू वन, पुटिंग पी इक्वल टू इन LHS, फोर इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन, which is not equal to RHS, RHS, LHS not equal to RHS, so P minus 1 is not solution of the given equation. You can make a proper note from this video. I try to explain each question. क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड में हम लोग एक एक वैल्यू रखकर चेक करते हैं। You can put any value according to yourself. For those value LHS is equal to RHS, then that is the solution. For example, in the last, put P is equal to 3 in LHS, 5 into 3 plus 2, 15 plus 2 is equal to 17. 17 is equal to 17, therefore P is equal to 3 is solution.
सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू योर नंबर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्टार्ट फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस टू. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो आर एनी अदर नंबर, बट योर आंसर इज ट्रू व्हेन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. आप इसको दो स्टेप तीन स्टेप में भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है. लास्ट में यम की जो वैल्यू रखने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, वही उसका सलूशन होगा. फॉर एग्जांपल पुटिंग यम इज इक्वल टू 6 इन एलएचएस, 3 इंटू 6 माइनस 14, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. देयरफोर यम इज इक्वल टू 4 इज द सलूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4. दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन एंड सोल्यूशन एक साथ हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह के वीडियोज़ प्रॉपर आपके मोबाइल पर आते रहें. फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर यक्स एंड 4 इज 9. हमने जैसे शुरुआत में बताया था, इज को इक्वल से ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड सम मीन्स होता प्लस, देन आंसर इज यक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 19. सेकेंड पार्ट, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. अगेन इज के जगह पर इक्वल लगा दीजिए एंड यू ऑल्सो नो सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस होता है, तो आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 4. इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, वेरी सिंपल. थर्ड पार्ट, 10 टाइम्स a इज 17. टाइम्स मतलब होता मल्टीप्लाई, इट मीन्स a इंटू 10 इज इक्वल टू 30. a इंटू 10 इज इक्वल टू 10 a लिख सकते हैं, तो आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज 10 a इज इक्वल टू 70. अगेन आई टेल यू, सम मीन्स प्लस, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स डिवीजन साइन जो होता है अपॉन. फॉर एग्जांपल फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ टी इज 15. आप मतलब मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में, देन योर आंसर इज 3/4 टी इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन नंबर 5 इज द रिवर्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया था, मैथ में चेंज करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैथ में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करना है. फॉर एग्जांपल पी प्लस 4 इज इक्वल टू 15 कैसे लिखेंगे. प्लस मतलब होता सम, द सम ऑफ नंबर पी एंड 4 इज 15, वेरी सिंपल. सेकेंड पार्ट, यम माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यम इज 3. सिक्स पार्ट, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18. इट मीन्स इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, यू गेट 18. अगेन आई टेल यू, प्लस मीन्स सम, सब्ट्रैक्ट्स आर टेक अवे मीन्स माइनस साइन, टाइम्स या ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन है मैथ में, और डिवाइड अपान साइन को डिवाइड से चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.1. इस वीडियो में आप इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
एंड एक्सरसाइज 4.1 का सलूशन पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट प्रॉब्लम, आई ऑल्सो गिव द आंसर। फॉर एग्जाम्पल, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल। टेक यम इज द नंबर ऑफ द परमिट मार्बल्स। लेट द यम इज द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स, जैसा कि क्वेश्चन में हिंट में दिया है। 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मीन्स 5 यम प्लस 7 इज इक्वल टू 37। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।